रास्ते की वीडियो से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं कश्मीर आया हूँ। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी व्यू है। जी जनाब, ये हम जा रहे हैं कश्मीर की तरफ और ये रास्ते में नीलम जेलम का जो प्रोजेक्ट है, जो डैम अभी बना हुआ है, तो ये उसकी खूबसूरत व्यू है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कश्मीर की तरफ आज जो टूर है मेरा, तो मैं आपको इंशाल्लाह आज लेके जाऊँगा नीलम वैली और किरण वैली। आप तो ये देखें जनाब, वादियाँ आपके सामने, बहुत खूबसूरत है, जितनी इसकी तारीफ करूँ वो कम है, हद से ज़्यादा खूबसूरती है। ये किरण वैली है पूरी, और सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे आसपास। आप देख सकते हैं मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, कोई भी नहीं है। ये देखो, क्योंकि दुनिया जो है तो वो रात को लेट सोती है, सुबह पर लेट ही उठते हैं ज़्यादातर। इसमें जो आते हैं यहाँ पे, तो वो कराची वाले होते हैं या फिर लाहौरी होते हैं, वो लेट ही उठते हैं। ठीक है, तो खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी वैली है किरण वैली कश्मीर में। जब भी आप लोगों का विज़िट हो यहाँ पे, इस रिज़ॉर्ट की तरफ आएँ और यहाँ की ये खूबसूरती लाजमी देखें, इसको देखना ना भूलिएगा। आज हमारा प्लान वैसे कुटन वैली की तरफ है, तो कुटन वैली इंशाल्लाह जाएंगे और कुटन वैली में आपके लिए खूबसूरत सी क्लिप्स बनाएँगे। आपने साथ रहना है, वीडियोस पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है। ठीक है, और वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस बना सकूं। ठीक है जी, जगह को कहते हैं किरण वैली। किरण वैली जो है ये नीलम वैली में है। ठीक है, नीलम वैली एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर फिर पॉइंट्स बने हुए, स्पॉट्स बने हुए, जैसे किरण वैली, शारदा, ये सारे पॉइंट। अब ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पानी के उस तरफ पे जम्मू कश्मीर है और इस तरफ पे हमारा कश्मीर है। ये सामने आपको नज़र आ रही है ग्रीन ग्रीन खूबसूरती है, जो पहाड़ है ये सामने, ग्रीन एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत अच्छी, कश्मीर पूरा ही खूबसूरत है, चाहे उनके पास जो है वो भी खूबसूरत है, जो हमारे पास है वो भी खूबसूरत है। तो ये देखें, ये उनकी तरफ है, ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल मकबूज़ा कश्मीर है, ये उनके कब्ज़े में है, पानी के उस तरफ पर, पानी के इस तरफ पर जो ये हमारा कश्मीर है। ठीक है, देख ले मैं अभी नींद से उठा और ये मैं बिल्कुल मेरे रूम के विंडो से बाहर की मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं, अपर नीलम वैली भी कह सकते हैं,
कैरन वैली भी नीचे आपको मैंने दिखाई थी, आपने पहले देख भी ली। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली सुबह, लाइक 4:30-5 बजे का टाइम, अजान का टाइम, नमाज का टाइम जो अभी उठा हूँ मैं। तो ये उस टाइम की वीडियो है और ये उस टाइप की खूबसूरती है। अभी थोड़ा थोड़ा सुबह होने वाला है आराम आराम से, तो बहुत प्यारी मुझे लगी। मैंने रूम के विंडो से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत है। ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये वाली, अब थोड़ा सा अब तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है दिन का, रोशनी हो गई और ये भी खूबसूरत व्यू है। वो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लाइक 4:30-5 बजे का टाइम था, और ये जो अभी टाइम है ये 12:01 बजे का टाइम है दोपहर का। ये देखें, ये आपको खूबसूरत व्यू है अपर नीलम की। ये पानी के लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये मकबूज़ा कश्मीर है, और जो इस साइड पर है ये कैरन वैली भी है, और ये हमारा कश्मीर है। तो कश्मीर ओवरऑल जो है जितना भी है वो बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये नीलम वैली के दरमियान में आते हैं, मतलब ये पूरी नीलम वैली है, लेकिन ये जो स्पेशल जगह है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इसको कहते हैं अपर नीलम, ठीक है। जब आप जैसे कैरन वैली पहुँचते हैं उससे 5 मिनट आगे आते हैं एक फौजी चेक पोस्ट होता है, उसको क्रॉस करके एंट्री करके तो लेफ़्ट साइड पर आपका रोड जाता है अपर नीलम की तरफ। तो ये अपर नीलम यहाँ से खूबसूरत व्यू नज़र आती है, अगर आप गूगल में भी सर्च करें ना नीलम वैली, तो वो आपको ये वाली व्यू देगी, ठीक है। वो बंदा भी कह रहा था ना कि इसके लिए ये ढूंढो, हाँ देखो ना जनाब शादी मांग रहे बंदा, इसके लिए कश्मीर में यार औरत देख इसकी शादी करवाते हैं। इसका नाम शरीफ है लेकिन ये इतना शरीफ नहीं, ये शादी मांग रहा है, शादी मांग रहे, ये शरीफ नहीं है, इसका नाम शरीफ है लेकिन ये शादी मांग रहे। ये जो है ना वो देखो ना, हाँ कितना प्यारा लग रहा है वो देखो ना, अच्छे लग रहे हो। ये जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ, ये जब आप अपर नीलम में ऊपर रोड पे सीधे सीधे जाते हैं तो वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जो है अपने सरकारी गवर्नमेंट के रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एंड पे जब ये अपर नीलम वाला रोड जो है ये बिल्कुल गेस्ट हाउसेज और ये रेस्ट हाउसेज जितने सारे ख़त्म हो के ना एंड पे जाके एक रोड ख़त्म होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज। पता नहीं क्या चीज़ है, बस खा रहा हूँ, चेरी नहीं है क्योंकि चेरी मोटा होता है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे मैंने किसी बंदे से पूछा, उसने कहा खाने वाली चीज़ें खाते जाओ, लेकिन ये चेरी नहीं है, चेरी मोटा होता है इतना, ये छोटे छोटे हैं, पता नहीं क्या है। ये देखें ये